रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ आज का जो डॉलर का और रियाल का रेट है जी, दरहम का रेट ओपन मार्केट में या मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से और वो क्या रहा, आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और बेसिकली मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप इस वक्त 10 लाख रुपए पाकिस्तान भेजना चाहते हैं या आप ये जानना चाहते हैं कि 10 लाख रुपए अगर पाकिस्तान में हम भेजें तो इसकी जो आज की मौजूदा कंडीशन है रियाल रेट की, उसके हिसाब से कितने बनेंगे, तो वो आपको क्लियर कर दूं। मैं अभी 10 लाख रुपए के हिसाब से देख रहा था 13,600 तकरीबन, इसमें 10-20 रियाल का आगे पीछा होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। 13,600 रियाल का भाई 10 लाख रुपए पाकिस्तान में जा रखा है। रेट फिर भी बेस्ट है, लेकिन आज ओपन मार्केट में डॉलर रेट में इजाफा देखने को मिला है और डॉलर का रेट 278 रुपये 50 पैसे पर चला गया है। और जो भाई मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि भाई रियाल बढ़ेगा नहीं, तो भाई अभी काम शुरू हो चुका है। बहरहाल आज अगर स्टेट बैंक के हिसाब से रियाल रेट की बात करें तो जो वो है जी 74 रुपये 17 पैसे। एंड अगर बात करें जी अमराती दरहम की 75 रुपये 82 पैसे एंड बहरीनी दिनार 738 रुपए का, और उमानी वैसे रियाल 723 का है, कोयती दिनार 910 का है एंड कतरी रियाल 76 रुपए 37 पैसे का। आप खुद अंदाज़ा कर लें, तकरीबन 2.5 रुपये महंगा है रियाल की नस्बत कतरी दिनार। ओपन मार्केट में वही रेट है जी, यानी कि सऊदी रियाल की जो खरीद फरोख्त है वो 73 रुपये 90 पैसे के अराउंड में है। एंड अगर आप बाई करना चाहते हैं तो फिर 74+ में आपको मिलेगा, 73.5 से 74 के अराउंड में मिले ओपन मार्केट का रेट है। मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से अगर बात करें तो आपको मैं एक्सचेंज रेट साथ में भैया दिखा रखा हूँ। मैं इंडिया सॉरी पाकिस्तानी 74 रुपये 26 पैसे, इंडिया 22 रुपये 31 पैसे, बांग्लादेशी टका भाई 31 टके 32 पैसे, ये बांग्लादेशी टके का रेट है। अभी मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से बात कर लेते हैं। वैसे इंडिया का रेट 22 रुपये के अराउंड में बैंकों में है। अगर तहवील राजी राजी बैंक की हम भाई बात करें तो इनका आज का रेट 73 रुपये 40 पैसे, कल की नस्बत इसमें 3 पैसे का इजाफा देखने को मिला है 10, 17 और 23 रियाल फीस के साथ। STCPA की बात करें तो इनका आज का रेट 73 रुपये 35 पैसे और 10, 17 और 23 रियाल भाई इनकी भी फीस होती है। आप बैंक जजीरा यानी कि फौरी बैंक से भेजना चाहते हैं तो इनका आज का रेट 73 रुपये 49 पैसे, बहुत अच्छा रेट मिल रहा है, और 10, 17 और 23 रियाल इनकी फीस है। वेस्टर्न यूनियन की बात करें जो कि 73 रुपये 51 पैसे रेट, इनका रेट भी बेस्ट है और 10, 17 और 23 रियाल फीस है जी इनकी भी। मनीग्राम की बात करें तो मनीग्राम का भाई आज का रेट 73 रुपये 35 पैसे, गुड है, और इनकी फीस है जी 14.95 रियाल, यानी कि 15 रियाल बोल रहे हैं। इंजाज बैंक बिलाद की बात करें तो इनकी आज का जो इनका रेट है 73 रुपये 38 पैसे, 10, 17 और 23 रियाल फीस। मुख्तलिफ यानी कि अभी ये इंजाज बैंक फीस नहीं काट रहा है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। मैं मोबाइल पे की बात करें जो कि 73 रुपये 33 पैसे रेट दे रहे हैं। आप क्विक पे से भेजना चाहते हैं जो कि 73 रुपये 39 पैसे रेट, बहुत अच्छा रेट है क्विक पे का। अगर आप भाई एन टेलीमनी यानी कि ANB बैंक से भेजना चाहते हैं तो इनका आज का रेट 73 रुपये 37 पैसे। अगर आप भाई फ्रेंडी लवर हैं, फ्रेंडी से भेजना चाहते हैं तो फ्रेंडी का आज का रेट 73 रुपये 33 पैसे रहा, और ये मुख्तलिफ बैंकों का रेट था। बाकी हॉन्डी वगैरह का रेट इससे कुछ कम होगा, 50 से 1-1.5 रुपये कम होगा, लेकिन वो आपको आप टैक्स से तो बच सकते हैं हॉन्डी के जरिए अगर पैसे भेजेंगे, जो पाकिस्तान में फाइल नॉन फाइल का मसला बना हुआ है, लेकिन वो रिस्क है। और मैं नहीं बोलता किसी भी परदेसी भाई को आप हॉन्डी के जरिए पैसे भेजें।